भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज राजौरी जिला के दूरदराज बुद्धल इलाका में एक बड़ी अवामी मीटिंग को मुनक्कित किया गया। इस मीटिंग की क़यादत भारतीय जनता पार्टी के बुद्धल से यूथ लीडर व पार्टी के स्पोक पर्सन मंजूर नाइक ने की। मीटिंग के दौरान बुद्धल के अलावा कोटरंका के अलग अलग देहातों से आए भाजपा कारकुनों व बड़ी तादाद में मकामी लोगों ने शमूलियत की। इस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी के दीगर आला लीडरान व DDC मेंबरान ने भी शमूलियत की। इस दौरान बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी के तमाम लीडरान ने यह दावा पेश किया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़्यादत में मरकजी हकूमत ने जम्मू और कश्मीर की यकसा तरक्की को यकीनन बनाया है और हर एक शख्स को इंसाफ दिया गया है। इस दौरान इन लीडरान का कहना था कि जम्मू और कश्मीर में आगामी पार्लियामानी इंतखाबात के दौरान भारतीय जनता पार्टी तमाम सीट्स पर अपनी जीत दर्ज करवाएगी, जिसमें खास करके राजौरी अनंतनाग सीट शामिल है। इनका कहना था कि कोटरंका सब डिवीज़न में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरक्की की रफ्तार को बड़े पैमाने पर तेज़ किया गया है, जिसका असर ज़मीनी सतह पर देखने को मिल रहा है और आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत दोबारा बनने के बाद तरक्की को और तेज़ी दी जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के यूथ लीडर व स्पोक पर्सन मंजूर नाइक ने कहा कि बुद्धल इलाका में भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा अब ऊंचा लहरा रहा है और बड़ी तादाद में लोग पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। उनका कहना था कि एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी के बुद्धल में कुछ ही वर्कर हजरात थे, लेकिन आज की तादाद में बुद्धल के ज़्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बन चुके हैं और इन लोगों का भी ये मानना है कि महज भारतीय जनता पार्टी ही बुद्धल के इलाके के साथ की गई नाइंसाफियों को दूर करके यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलवा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर भारतीय जनता पार्टी भगवत गुप्ता जी को जो है शामिल करें।
गौरी जी को चार भेंट करें, जो है चार भेंट करें। से जो है अच्छे तरीके से